अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और एंड तक ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसका ये टाइटल है कि जो हमारी मुर्गी है वो जब अंडे देने के करीब आती है तो ऐसी क्या निशानियां हैं जिससे हम उसे पहचान सकें कि ये अब हमारी मुर्गी है जो अंडों पर आ चुकी है और अब हमें इससे ना अंडे लेने हैं। अक्सर भाई होती हैं जिनको नया नया शौक़ होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता। तो आज मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लेरिफाई करके आपको बता दूंगा और आप इंशाल्लाह मेरी अगर वीडियो पूरी देखें तो आप एंड तक जान जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा पांच निशानियां आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आया हमारी मुर्गी अंडों पर आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी, ये मुर्गी है हमारी और मैंने इसको पकड़ लिया है ताकि आपको बिल्कुल करीब से दिखा सकूँ कि इसकी क्या पहचान है। और ये मुर्गी देखें, यह अपनी कलियां गिरा देगी। सबसे पहले ये अपने पर गिराएगी, वो देखें इसके दुम के, पहले काफ़ी दुम पर बाल थे लेकिन अब इसने अपने दुम के बाल गिरा दिए। और दूसरी निशानी ये है कि जब भी आप इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे सामने बैठ जाएगी। जैसे मुर्गे के सामने ये बैठती है उसी तरह जब तक आप उसको प्यार करेंगे ये उठेगी नहीं, ये बैठी रहेगी। और जब आप प्यार करने के बाद इसको छोड़ेंगे तो ये अपने जिस्म को ना झटका देगी। और तीसरी निशानी मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो फेस है ना वो बिल्कुल रेड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका फेस जो है वो बिल्कुल रेड हो गया। और जो चौथी निशानी है वो ना, ये अपने नीचे झोल बना लेगी। ये देखेंगे इसका झोल है, ये अपने नीचे झोल बनाएगी। और चार निशानियाँ होगी। पांचवी निशानी ये है कि ये अपने बच्चों को छोड़ देगी। और इस मुर्गी के मैंने नीचे ना चकोर के अंडे रखे थे और ये देखें इसने बच्चों को छोड़ दिए, बिल्कुल बच्चे पीछे भाग रहे हैं और ये बिल्कुल बच्चों को लिफ्ट नहीं दे रहे। मैं आपको एक इसकी जो पुरानी तस्वीर है वो साथ अटैच करके दिखाता हूँ। ये इसके बच्चे हैं, ये जो इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और इसके बाद एक लास्ट में ये निशानी है कि जो आपकी मुर्गी है ना वो साउंड निकालेगी, का 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 इस तरह के ना साउंड निकालेगी। मैं साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो मैंने आपको ज़रूर दिखाना था, ये चीज़ भी मैंने आपको दिखानी थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझते हो कि हमें समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिले मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।